नमस्कार। दिल्ली का शराब घोटाला लगातार चर्चा में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनको मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, अचानक इन खबरों ने सभी को चौंकाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंच गए हैं। ऐसा लगा था कि ये एक और समन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही गुरुवार को ये खबरें सामने आना चालू हुई, 21 मार्च की शाम को जब गहमा गहमी मुख्यमंत्री निवास पर अरविंद केजरीवाल के घर पर बढ़ी, तो ये माना गया कि ये एक और समन और तलाशी का ही मामला होगा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये पहले सोचा नहीं गया, लेकिन गिरफ्तारी ने पूरे देश में सुर्खियाँ बदल दी। क्या ये गिरफ्तारी सुर्खियाँ बदलने के लिए हुई, ये एक अलग सवाल का मुद्दा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी समेत अब लगभग 33 लोग कुल इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें के कविता भी शामिल है, जिनको लेकर यह माना जा रहा था कि उनका नाम इस घोटाले में है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 33 लोगों को गिरफ्तार करवाने वाला ये शराब घोटाला है क्या, और इसमें आखिर दो बड़ी एजेंसियां ईडी और सीबीआई दोनों ही क्यों लगी हुई हैं और दोनों की अपनी आपस में भूमिका क्या है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की इसकी सिफारिश कर दी। जैसे ही इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, इस आबकारी नीति को न केवल संदेह के घेरे में ले लिया गया, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको रद्द भी किया। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर भी रहती है कि अगर ये दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाने वाली, आय बढ़ाने वाली क्रांतिकारी नीति थी, तो फिर जैसे ही सीबीआई जांच की बात हुई तो इसको क्यों वापस ले लिया गया। हालांकि नई शराब नीति के बाद इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसको रद्द कर दिया गया था। ईडी की जांच और सीबीआई की जांच, जो हम आपको बता रहे थे बात को समझो में, वो दरअसल अलग कैसे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर मुद्दे में समझने वाली बात यह है कि जब इस पूरी शराब नीति में अनियमितताएं पाई गई, गड़बड़ी पाई गई और उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, तो सबसे पहले जांच सीबीआई ने ही शुरू की। लेकिन सीबीआई ने अपने जांच में पाया कि यह मामला केवल गड़बड़ी और घोटाले का नहीं है, इसमें पैसों का लेन देन जो हुआ है उसमें प्रवर्तन निदेशालय की भी जांच की जरूरत पड़ेगी और मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुई है, ऐसा सीबीआई को शुरुआती जांच में संदेह में पता लगा। ऐसे ही हुई ईडी की एंट्री। तो ईडी की एंट्री बाद में हुई, सीबीआई ने दरअसल जब सिफारिश आई तो इस पर जांच शुरू की। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रहे हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है, वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। दरअसल इस मामले में अब कुल मिलाकर 33 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है और उनको जमानत मिलना, उनको आगे की इस कार्रवाई में क्या राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन शराब नीति इस गिरफ्तारी की वजह से चर्चा में आ गई है। तो इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ के कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरंतरा बुची बाबू, अमित अरोड़ा और बेनय बाबू, जो फ्रांसीसी शराब कंपनी पनॉड रिकॉर्ड के महाप्रबंधक थे, पी शरत चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, उन नामों में शामिल हैं जिनको इस शराब नीति ने गिरफ्तार करवा दिया, जेल के पीछे भेजा या उन पर अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और इसीलिए बात को समझने के लिए ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि दिल्ली की दरअसल ये जो नई शराब नीति थी, ये कुल मिलाकर थी क्या। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए, हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। जी हाँ, इनको प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थी
और 40% प्राइवेट थी, तो जो 60% सरकारी दुकानें थी उनको भी प्राइवेट निजी कर दिया गया। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% दुकानें इस तरीके से प्राइवेट कर दी गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली सरकार को होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। फिर सवाल यह है कि अगर 3,500 करोड़ के मुनाफे की बात हो रही थी, सारे प्राइवेट होने से सब अच्छा ही अच्छा था, तो इसमें घोटाला क्यों है? इसमें घोटाले की बात कहाँ से आ गई? दरअसल नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। आरोप इसलिए कि अभी इसकी आगे लंबी जांच होना बाकी है। वहीं इस नीति से बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया हुआ है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क को बढ़ा दिया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। सरकार बता रही है कि यह फायदे का सौदा है, क्योंकि सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई। मतलब एक साथ पैसा आ गया और उधर पैसा घटा दिया तो बराबर हुआ। खुदरा बिक्री में भी सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप लेकिन इस नीति की वजह से लगा है। ये आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पहले अगर 750 मिलीलीटर की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए की उत्पाद कर और 106 रुपए के वैट के रूप में सरकार को मिल जाते थे। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329.89 रुपए का फायदा होता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि जो नई शराब नीति आई थी, जो रद्द हो गई बाद में, वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33.35 रुपए से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3.78 रुपए रह गया। इसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है। दरअसल ये सारे खेल को इन 7 खामियों से हम समझते हैं, जिससे दिल्ली सरकार की मंशा पर जो शराब नीति रद्द हुई और जिसमें इतनी धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन इन 7 खामियों से समझते हैं कि दिल्ली सरकार की मंशा पर क्यों सवाल उठे। दरअसल जब शराब घोटाले के मामले ने तुल पकड़ा तो उस केंद्र सरकार ने भी इसकी जांच करवाई। मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की जो दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में भी इन्हीं 7 बिंदुओं के पर बात की गई है और ये 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटीज से ज़रूरी NOC नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को वो पैसा लौटा दिया। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपये की इम्पोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। ये बिंदु नंबर 3, टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था बिंदु नंबर 3।
बिंदु नंबर 4, सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर इनकी 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था। तो यह था चौथा बिंदु। अब समझते हैं पांचवें बिंदु को। सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। देखिए किस तरह की धांधलियों के आरोप है इस मामले में, और इसलिए एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग जेल जा रहे हैं और जेल जाकर तुरंत छूट भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि बात यह हो रही है कि केस ही चालू नहीं हुआ, वो अलग मसला है। छठे बिंदु को समझते हैं। सोशल मीडिया बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है। मतलब शराब दुकानों पर लाइसेंस के आधार पर बेची तो जा सकती है, लेकिन उसका प्रचार सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम पर करना प्रतिबंधित है, उसके लिए कानून है। और पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था है, शराब का विज्ञापन प्रतिबंधित है, लेकिन शराब कारोबारियों ने धड़ल्ले से शराब का विज्ञापन किया और उनके खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दिल्ली सरकार ने नहीं की। ये था छठा बिंदु जांच रिपोर्ट का। और सातवां बिंदु, लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51% कम रेवेन्यू मिला। तो जहां कहीं बम्पर प्रॉफिट की बात दिल्ली सरकार को की जा रही थी, वहीं लगभग 38-40% का नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को उसकी आय का। यह जांच के बिंदु बताते हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के पास और सीबीआई के पास और क्या सबूत हैं जिनकी वजह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनका सबका खुलासा तो कोर्ट में होगा। कोर्ट में जिरह और बहस चलती रहेगी। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि साफ स्वच्छ और पवित्र अच्छी सरकार देने के वादे के साथ आए अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह के घोटाले के नाम पर जेल चले जाते हैं तो ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। गलती किसकी है ये तय करना जांच एजेंसियों का और अदालतों का काम है, लेकिन जो शराब नीति और उसके बिंदु हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन बिंदुओं की वजह से ही इस घोटाले की आँच वहाँ पहुँची जहाँ सारे बड़े बड़े कर्ता धर्ता दिल्ली सरकार के और आम आदमी पार्टी के जेल में हैं। जेल की ये बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शराब का ये खेल कहाँ तक पहुँचेगा वो नहीं पता, पर ये ज़रूर है कि फ़िलहाल तो ये मधुशाला बैर कराती हुई नज़र आ रही है। आप बात को समझने के लिए और इसी तरह बातों के विस्तार में जाने के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।